हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने पहला पार्ट जो है व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य भी कहते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। व्यवसाय अध्ययन और वाणिज्य दोनों एक ही चीज़ है। इस इंग्लिश में कॉमर्स लिखा होगा आपके प्रवेश पत्र में, है ना। तो इस वर्ष आने वाले महत्वपूर्ण है, सेकेंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट को अवश्य देखेगा, उसका लिंक वीडियो के एंड में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये है कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन करने जा रहे हैं। 23 से 27 क्वेश्चन। उत्पाद मिश्रण के संगठक को समझाइए। तो उत्पाद मिश्रण के संगठक निम्नलिखित है। पहला तो ब्रांडिंग है। यहाँ एक उत्पाद का नाम, चिन्ह आदि का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। ब्रांड किसी उत्पाद की पहचान होती है जिससे उसको पुकारा जाता है, जैसे कि डेटॉल है, डालडा है ना, फेविकोल है, फेविक्विक है, बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, ठीक है ना। सैमसंग है, मोबाइल बोले तो सैमसंग, वीवो है, ऐसा आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, ये ब्रांड है उसका। पैकेजिंग, यह उचित डिजाइनिंग करने का एक कार्य है, जैसे कि आपने देखा है मोबाइल में है, साबुन में है, रेफ्रिजरेटर में, अनेक प्रकार के डिजाइन आते हैं। जो भी आप वस्तु खरीदते हैं है ना, उसमें पैकेट में वो बंद होता है, ठीक है। तो पैकेजिंग किस तरह है, प्राथमिक पैकेज है ना, जैसे हम साबुन को तुरंत जो है थैले में पैकेट बना देते हैं, तो दूध का एक पैकेट है, त्वरित वाला है दूध का पैकेट। द्वितीयक पैकेज है ना, जब हम सुरक्षा के लिए उसको अन्य पैकेट अन्य पॉलीथीन में भर देते हैं, तब उसको द्वितीयक पैकेज कहते हैं। परिवहन पैकेज, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तब वो परिवहन पैकेज हो जाता है। लेबल, लेबल वहाँ पर विवरण लिखा होता है, कौन सा मॉडल है, कौन से प्रकार का है। ऐसा टीवी वगैरह खरीदते हैं तो देखना, मोबाइल में सब लेबल लगा रहता है, ठीक है, तो यही लेबल है। इसके बाद है सुविधा वस्तुएं और क्रय वस्तुएं क्या है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो सुविधा वस्तुएं, इस वर्ग से संबंध रखने वाली वस्तुएं बिना किसी योजना अथवा विपणन प्रयासों के खरीद ली जाती है ना। यानी हम बिना देखे ही, बिना कुछ समझे, हमको आवश्यकता है, हमने तुरंत खरीद लिया, ठीक है। जैसे पीने का बॉटल पानी है ना, कोई ठंडी चीज़ें है, कोको कोला है, पेप्सी है, खाने पीने के ब्रेड है ना, इसको हम बिना सोचे समझे, कोई ब्रांड नहीं देखते हैं, सीधे सीधे खरीद लेते हैं। तो ये सुविधा की वस्तुएं होती है। क्रय वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसका हम बार बार उपयोग नहीं, मतलब बार बार उसको नहीं खरीद सकते है ना। एक बार खरीदे तो कई साल तक चलता है, जैसे हमने चप्पल खरीदा 5-6 महीने चल जाता है, एक बनियान खरीद ले, एक रेफ्रिजरेटर खरीद ले, एक टीवी खरीद ले, तो ये जो है ऐसी वस्तुएं हैं जिसको एक बार खरीदे तो वो बहुत दिनों तक चल जाता है, तो ये क्रय वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। 24 से 25 तक 5 अंक आवंटित है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक, भर्ती और चयन में अंतर लिखिए। तो भर्ती क्या होता है, कर्मचारियों के भर्ती के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जबकि चयन का एक ही निश्चित प्रक्रिया होता है। हम भर्ती के लिए क्या करते हैं, फॉर्म डालते हैं, आवेदन देते हैं, उसके बाद परीक्षा दिलाते हैं, तब चयन प्रक्रिया स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज होती है, इसमें वर्तमान के लिए चयन कर नियुक्ति की जाती है। भर्ती क्या होता है, जैसे हम कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरते हैं, उसके बाद उसका परीक्षा होता है, परीक्षा होने के बाद हमारा जब ज़्यादा नंबर आ जाता है तब हमको चयनित किया जाता है, ठीक है। तो भर्ती और चयन में यही अंतर है, इसे 5 अंतर आपको देना है। भर्ती के बाद चयन प्रक्रिया आरंभ होती है, जबकि चयन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है। भर्ती में प्रार्थी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि चयन यानी कि जिसको सेलेक्ट किया गया है, नौकरी जिनकी लग गई है उनको बस रखा जाता है। भर्ती का अंतिम उद्देश्य कर्मचारियों की खोज करना है, जबकि चयन का अंतिम उद्देश्य चुनाव का नियुक्ति देना है। अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में 5 अंतर लिखना है। तो यह है इसके उत्तर। यह उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा गठित किया जाता है, यह उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा गठित नहीं किया जाता है। इसका गठन संगठन के कार्यों को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य होता है, जबकि इसका गठन सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका प्रबंधन संगठन की ओर से नियुक्त प्रबंधक के द्वारा होता है, ठीक है। औपचारिक संगठन के प्रबंधक को औपचारिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि इसमें अधिकार प्राप्त नहीं होता। अनौपचारिक संगठन स्थायी और टिकाऊ होते हैं, इस संगठन की प्रकृति अस्थायी होती है। विपणन की 5
महत्वपूर्ण क्रिया निम्नलिखित है, तो वस्तु का स्वरूप निर्धारण एवं विकास, उपभोक्ता की आवश्यकता का निर्धारण तथा उनकी पूर्ति के लिए वस्तु का सेवा, मूल्य निर्धारण क्रिया। इस क्रिया में उत्पाद के मूल्य के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि इसका रेट, इसकी प्राइस कितना रखना चाहिए। संवर्धन संबंधी क्रिया, जैसे संवर्धन क्या होता है, विज्ञापन करना, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करेंगे, भाई कोई वस्तु हमने बनाया तो उसका प्रचार जरूरी है, यही विक्रय संवर्धन कहलाता है। वितरण संबंधी क्रियाएं है ना, वितरण यानी कि वस्तु जब बन जाता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। विपणन के 5 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो विपणन का 5 उद्देश्य, पहला तो है ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना है, दूसरा है व्यवसाय के विकास के लाभों में वृद्धि करना है, तीसरा है व्यवसाय के लिए ग्राहक आधार का सृजन करना, चौथा है विपणन मिश्रण ज्ञात करना, पांचवा है अच्छी छवि स्थापित करना। इसके बाद 26 और 27 लास्ट प्रश्न है। मूल्य निर्धारण के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो यह है मूल्य निर्धारण के प्रमुख उद्देश्य, मूल्यों में स्थिरता। मूल्य यानी किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव आने पर कम ज़्यादा होते रहते हैं, जैसे आप तेल, पेट्रोल, डीजल देखते हैं, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं दोस्तों, है ना। विनियोग पर निर्धारित प्रतिफल, बाजार की मलाई उतारना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, लाभों को अधिकतम करना, तो ये विपणन के उद्देश्य है। प्रवर्तन के 3 साधन की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रवर्तन के 4 साधन हैं। पहला तो विज्ञापन, परावर्तन हो गए दोस्तों, यहाँ पर प्रवर्तन है, क्वेश्चन में देख लीजिए। पहला हम विज्ञापन देते हैं, जब कोई वस्तु बना लेते हैं तो हम टीवी वगैरह है, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को तक प्रचार करते हैं कि ये हमारा भाई प्रोडक्ट है, इसमें ये खूबियाँ है ना, इसको हम आपको ऐसे ख़रीदना चाहिए, ऐसा विज्ञापन देते हैं, प्रचार करना है ना। तो यहाँ पर प्रचारित और विज्ञापन में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। जनसाधारण के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। व्यक्तिगत विक्रय, 27वां प्रश्न देख लीजिए। विदेशी व्यापार और बाह्य व्यापार के 3 महत्व लिखे। तो ये विदेशी व्यापार के 3 महत्व है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बाह्य व्यापार विशिष्ट कारण को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता के 3 अधिकार लिखना है, तो सूचना पाने का अधिकार होता है, उसके बाद सूचना का अधिकार होता है, उसके बाद चुनने का अधिकार है। इस प्रकार 27 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है, देख लीजिए। उपभोक्ता सुरक्षा के 3 लाभ बताइए। तो यह है उपभोक्ता सुरक्षा के 3 लाभ। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्यवसाय की 2 विशेषता लिखिए। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का एक लोकप्रिय नाम ईमेल है, यहाँ संप्रेषण का आधुनिक साधन है। ई डॉक, यहाँ डाक सेवा का शुभारंभ 30 जनवरी को किया गया था। सभी डाकघरों में ईमेल के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। तीसरा है सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। चौथा है ई टिकटिंग। पाँचवा है बीपीओ और केपीओ का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है बीपीओ, और केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। चौथा है नौकरी और स्वरोजगार में अंतर बताइए। पांचवा है विकेंद्रीकरण का अर्थ लिखिए। सातवा है अंतरण क्या होता है। तो अंतरण क्या होता है, एक संगठन या एक मालिक जो है पूरे सभी कार्य को नहीं कर सकता है, इसलिए क्या करता है, वो कर्मचारियों में काम को बांट देता है, यही अंतरण कहलाता है। नियुक्तिकरण किसे कहते हैं। एक अच्छे नेता के 3 गुण लिखिए। 10 अभिप्रेरण का अर्थ और महत्व लिखिए। तो ये महत्व है दोस्तों, नोट कर लेंगे। लास्ट प्रश्न बच गया 11वां, नियंत्रण की विशेषताएं लिखिए।
तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आंसर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें अपलोड कर दिया हूँ। जस्ट इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, पूरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, है ना, और पूरा नहीं देखेंगे दोस्तों तो फ़ायदा नहीं होगा, है ना। कोई भी चीज़ को हम सुनेंगे ध्यान से तो ज़रूर याद होगा, वीडियो को रिपीट कर करके सुनिए ताकि याद हो, आप पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, है ना, इसको देखेंगे तो ज़रूर याद होगा।